काम कुत्ती ढाना के इमरत एवं लिप्पू एवं ऐसे अन्य चार लोगों के साथ में बहुत ही समस्या का सामना प्रभावित कर रहा है, जिन्हें इंद्रावास 2014 में मिला था, जिसका राशि सिर्फ अभी तक ये बारिश लगने पर भी 22,500 की राशि प्राप्त हुआ है और इन्हें बाकी का राशि अभी तक मिलने में मुश्किल हो रहा है। सरपंच से जा कर के मिलने पर सरपंच बैंक भगाते हैं, बैंक वाले जा कर के सरपंच की तरफ भगाता है और इन्हें पूरा राशि नहीं मिल रहा है। आज जाना कल जाना बैंक जाना, थक गया अब गरीब आदमी, कहाँ तक जाएंगे जब तब तक बारिश गिर गया, पन्ने वन्ने छा के रह रहा फुकट, बहुत परेशान में अभी। ऊपर एक साल के लिए हुआ, अभी वो सब फटने लग गया धूप में। इस राशि प्राप्त करने के लिए हमारे समुदाय के लोगों से हमारे सरपंच ने 2,000 रुपये प्रति व्यक्ति पर घूस मांगी थी, जो घूसखोरी ना देने के कारण हमारे समुदाय के लिप्पू, नंदराम, सीताराम, रामलाल इन लोगों ने 2,000 रुपये ना देने से इन लोगों का घर अपूर्ण है। कितना पैसा मांगा था दादा आपसे? ऐसा बता रहा था कि हमको तो बाबू को खर्चा बोला, लेकिन सामने वाले यहाँ से किसी किसी लोग ने बोले 2,000 देने का बोला, बोले तो हमको वही चाह रहा होगा, लेकिन हम तो 2,000 अभी कहाँ से देंगे? लेकिन हम कहाँ से देंगे 2,000? तराम दादा आपको ये पता है, जैसे कि वो कह रहा 45,000 का बता रहा, लेकिन इस साल 2014 में कितना रुपये पास हुआ आपको ऐसे पता है? ऐसा लोगों का तो मिला 70 का, तो आपको क्यों 45 का बता रहा? 45 का बता रहा, हमने एक दिन पूछा सरपंच से, तो कौन सरपंच बोले होने वाले वाले का बोले 45 का है, बोले वो और अपना पंचायत का है बोले 70 का। जब ऊपर से जो आदेश है गवर्नमेंट के यहाँ से तो वो मिलना चाहिए, वो क्यों नहीं मांगो को 70 मिला है, चलो 70 मिले हैं ये गांव पे, हमारे गांव वाले को भी मिला। इसके बाद होने भाग का है तुम्हारे रामपुर भातोड़ी पे, सबको 70 का, वहाँ 11 मकान बना मेरे सामने इसी साल के बाद कुंडी खेड़ा पे, तो 70 का ही मिला उनको। तो अभी आपने कितना पैसा निकाला? 22,500। और बाकी का पैसा निकालने में क्या दिक्कत जा रहा तुमको? क्या पता, वो हम कम से कम 5 बार गया बैंक पे, अभी तक नहीं मिला। बैंक वाले क्या बोलते आपको? बोलते तुम्हारा पैसा ही खाते में है नहीं, बोलता। तो आपने इसके लिए सरपंच से नहीं पूछा? सरपंच को पूछा, सरपंच बोलता कि मैं बुधवार को जाऊंगा, कहीं फलाना तारीख को जाऊंगा, ऐसा करके, मतलब अभी तक नहीं गया वो। सचिव को भी बोला उसमें। तब आप क्या चाहते हो, आपको पूरा पैसा मिलना चाहिए? हमको पूरा पैसा मिलना चाहिए, अधूरा कैसा रहेगा? वो आधा को, आधा आदमी को 45 का भाव मिलेगा, आधा को 70 का मिलेगा, उनसे कौन सा फायदा हमको फिर? वैसे तो विकलांग आदमी हूँ मैं, क्या करेंगे सब मजदूरी में ही घर बनाया, लकड़ी पत्ता पानी वो सब पैसे का ही बना लिया हमने। और इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं उनसे मैं अपील करता हूँ कि हमारे भोरा डोंगरी पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री पीसी नरवरिया का फोन नंबर है 94063466 पर फोन करें और हमारी मदद करें, ताकि हमारे समुदाय के लोगों को पूरा राशि मिल जाए। मैं मोहनलाल और मध्य प्रदेश से इंडिया 100 के लिए।